जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए, क्या नाम है आपका? प्रियांशु तिवारी। अच्छा, आप किस कंपनी में नौकरी करते हैं? स्विगी कंपनी में। अच्छा, क्या वारदात हुई आपके साथ, क्या हादसा? वारदात, हम एक रेस्टोरेंट पे ऑर्डर लेने गए थे। रेस्टोरेंट ये आपका MIG 226 कैलाश विहार आवास विकास एक नंबर में कल्याणपुर में लगता है। तो उसने पहले आर्डर रेडी कर दिया था, तो हम जल्दी से जाके वहाँ पे आर्डर हम रिसीव करने गए। तो वहाँ पे आर्डर रेडी दिखा रहा था पर मिला नहीं था, तो हमने रिंग बजाई वहाँ पे। जो रेस्टोरेंट था वो एक मकान में था, तो रिंग बजाई तो वो कम से कम 10 मिनट बाद निकल के आए आर्डर लेके आए। तो उनसे हमने बस केवल एक ही बात कही थी कि सर आर्डर रेडी आपने कर दिया था, तो आर्डर आपको तुरंत देना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों की रेटिंग डाउन होती है, इंसेंटिव भी चला जाता है, हम लोग रात दिन काम करते हैं खाली इंसेंटिव के लिए। तो वो बहस हमसे करने लगे, हमें नहीं मालूम था कि वो ड्रिंक किए थे। तो वही बहस बहस में वो गाली देने लगे। हमने कहा जब वो गाली देने लगे तो हमने कहा कि अब आर्डर लेट हो रहा है तो अपने सीनियर को हम दिखाएंगे, तो हम उनका एक मोबाइल पे वीडियो बनाने लगे। तो उन्होंने मोबाइल छिनाया, मोबाइल छिना के उन्होंने वहाँ पे रोड पे पटक दिया, तो रोड पे पटक दिया, मोबाइल हमारा टूट गया। उसके बाद पीछे से एक बंदा निकल के आया, उसने लोहे की राड से हमारे यहाँ पे हमला कर दिया। जब हमला किया तो एकदम हम बेहोशी हालत में आने लगे, तो उन्होंने हमारी पीठ पे भी लोहे के डंडे मारे, पैर पे भी मारे, हाथ पे भी मारे, हाथ हमारा टूट गया, 3 उंगली और ये सब टूटा। उसके बाद हमारे घर वालों को सूचना मिली, तो 100 नंबर पुलिस आई, तो उन्होंने पहचानवाया कि कौन कौन लोग थे। तो हमने पहचाना उनको, उन्होंने पकड़ लिया। और वो ये सामने भी ये बात कह रहे थे कि यहाँ से इनको उठा के ले जाओ, नहीं तो इनको और मारेंगे। तब तक भाई हमारे आ गए, फिर वो हमें लेके पुलिस वालों ने CHC कल्याणपुर पड़ता है वहाँ पे लेके गए। हालत हमारी बहुत गंभीर थी, चलने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे। हमारे पास का वीडियो भी है जो लाइव जो चला था उतने टाइम, तो वो हमको CHC ले गए। तो CHC वालों ने हमारे घर वालों को बाहर कर दिया मेडिकल के लिए। और अस्पताल में ले गए आपको? ये कल्याणपुर में CHC सरकारी अस्पताल पड़ता है। तो क्या कहा उन्होंने डॉक्टर साहब ने? उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हाथ टूटा नहीं है और सर पे लोहे की राड पड़ी, उन्होंने सिटी स्कैन भी नहीं किया। तो हमने उनसे कहा कि अगर यहाँ पे वो सुविधा नहीं है तो कानीपुर में हैलट है, हमको हैलट रिफ़र कर दो। उन्होंने कुछ भी रिफर नहीं किया। पुलिस वालों ने जिसको गिरफ्तार, जितने अपराधियों को पहचानवा के करवाया था, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया उस समय।